बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आफिया नूर। तो आज हम बना रहे हैं मखाना की कतली। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मखाना कतली बनाने के लिए हमने मखाने लिए हैं 50 ग्राम। मखानों को हम भून लेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें डालेंगे मखाने और धीमी गैस पर इन्हें चलाते हुए गोल्डन होने तक इन्हें भूनेंगे। मखाने हमारे भुन चुके हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे नारियल का बुरादा और 2-3 मिनट इसे चलाते हुए भूनेंगे। गैस को हम धीमा रखेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, बुरादा हमारा भुन चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे और अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए हम चीनी डालेंगे 100 ग्राम, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में डाल के पीस लेंगे और इनका बारीक पाउडर बना लेंगे। मखानों को हमने पीस लिया है। चाशनी हमारी बनके तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नारियल का बुरादा और इसे चलाएंगे 2 से 3 मिनट। गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे मखाना पाउडर। मखाने को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिल चुका है और अब हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। मिश्रण हमारा कढ़ाई में लगने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट ऐसे ही चलाएंगे। अब हम एक थाली लेंगे और उसे चिकना करेंगे। थाली को हमने चिकना कर लिया है और अब हम इसमें मिश्रण को डालेंगे। मिश्रण को हमने थाली में फैला दिया है और इसे ऊपर से चिकना कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 2-3 घंटे के लिए पंखे की हवा में।
मखाना कतली हमारी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसके पीस काट लेंगे। मखाना कतली के हमने पीस काट लिए हैं। तो लीजिए, हमारा मखाना कतली बनके तैयार है। अगर आपको मखाना कतली की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।